हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो आपको मिलेगा पेज नंबर 216 पर। देखो इसमें क्या कहता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। देखो मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवाया भी था जिसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन थे और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, तो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो वहाँ पर। देखो क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट में, इन पैरेलल सर्किट इफ एनी वन कंपोनेंट फेल देन ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर वर्क प्रॉपरली। देखो कैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, ये वैसे मैंने आपको समझाया हुआ है फिर भी एक बार समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आपके पास पैरेलल में है और इनको रेजिस्टेंस ना समझ के ना ये डिवाइस समझो, ये मान लो आपका ये फ्रिज हो गया और ये वाला एक बल्ब मान लो और ये वाला टीवी मान लो, ठीक है, पैरेलल में है कनेक्टेड और ये इस तरीके से यहाँ बैटरी से मान लो कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो इनके सबके रेजिस्टेंस भी होंगे ना, तो इसलिए इस तरीके से बना दिया ये हमने, ठीक है। तो ये फ्रिज का रेजिस्टेंस हो गया, ये बल्ब का, ये टीवी का, ठीक है। अब देखो पैरेलल में, अब मान लो अब ये बल्ब जो है ये फ्यूज़ हो गया, अगर ये फ्यूज़ हो गया तो देखो करंट यहाँ से जाएगा, तो इसमें से भी जा रहा था, इसमें से भी, इसमें से भी, लेकिन ये फ्यूज़ हो गया तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा, तो यानी कि ये बल्ब तो नहीं जल रहा क्योंकि ये फ्यूज़ हो गया, लेकिन बाकी जो दो हैं फ्रिज और ये टीवी ये काम करते रहेंगे क्योंकि ये वाला करंट इधर से जा रहा है, ये वाला करंट इधर से जा रहा है और ये पूरा सर्किट पूरा करेंगे यहाँ से, पॉजिटिव से ये नेगेटिव का करंट पूरा करेंगे, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है तो दूसरे कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही कहानी सीरीज़ में होती तो सीरीज़ में ऐसे है, मान लो ये आपका फ्रिज हो गया, ये बल्ब, ये टीवी, ठीक है, और ये बैटरी से ही कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अब मान लो ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो अगर बल्ब फ्यूज़ तो ये पूरा सर्किट ही ब्रेक हो गया ना, अब जैसे करंट यहाँ से मूव हो रहा था, अब ये फ्यूज़ हो गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से करंट मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करे तो ये सर्किट में ही कंप्लीट नहीं हुआ करंट, तो ना तो फ्रिज चलेगा और ना ही ये टीवी चलेगा, समझ रहे हो कहानी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है, द टोटल सर्किट करंट इज डिवाइडेड थ्रू वेरियस एलिमेंट्स। हमें पता है पैरेलल में जो होता है करंट डिवाइड होता है, तो वही चीज़ कह रहा है कि टोटल सर्किट करंट होता है वो डिवाइड होता है वेरियस एलिमेंट या कंपोनेंट या एप्लायंसेस, हेंस ईच एलिमेंट और गैजेट ड्रॉ अप्रोप्रिएट करंट एल्थो वोल्टेज इज सेम। तो इसलिए बोल रहा है ना कि गैजेट जो होते हैं वो ड्रॉ करते हैं अप्रोप्रिएट करंट, जो भी उनको चाहिए करंट वो लेते हैं, और जबकि वोल्टेज जो है उसमें क्या है सेम है, जैसे फ्रिज है, बल्ब है, टीवी है, इन सब की देखो वोल्टेज सेम है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, और आपको पता है घर के बाहर से भी जो वोल्टेज आ रही है वो 220 की आ रही है, या ये बैटरी भी कनेक्टेड है अगर, ठीक है, तो सेम वोल्टेज मिल रही है इनको, लेकिन फ्रिज का करंट अलग है, बल्ब का अलग है, टीवी का अलग है करंट, तो ये करंट अलग अलग ले लेते हैं, ये पैरेलल में ही पॉसिबल है, और जबकि इसमें क्या होता है सीरीज़ में अगर ये लगाते तो इनको सेम करंट मिलता, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फ्रिज को थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए, बल्ब डिपेंड करेगा कितने वोट का है, और टीवी को सबसे कम करंट चाहिए, ठीक है, लेकिन सीरीज़ में लगाएंगे तो सेम करंट चलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें, तो इसलिए ये पैरेलल में ये फ़ायदे हैं कि यहाँ पर करंट जितना चाहिए जिसको वो उतना मिलता है, जबकि वोल्टेज क्या है सेम है, क्लियर। थर्ड में क्या कहते हैं, इन पैरेलल सेपरेट ऑन एंड ऑफ स्विच कैन बी एम्प्लॉयड विद ईच गैजेट। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम सेपरेट एक ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी आपने घरों में देखा होगा सेपरेट ऑन ऑफ स्विच होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसको ऑन करना है बल्ब को तो ये स्विच ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो सिर्फ बल्ब ही चलेगा, फ्रिज भी चलाना है तो ये स्विच ऐसे ऑन कर देंगे तो फ्रिज और बल्ब दोनों ही चल जाएंगे, तो इस तरीके से मतलब हम सेपरेट ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं यहाँ पर, जबकि सीरीज़ में क्या होता, अगर हम ऑन ऑफ स्विच लगा रहे हैं तो एक ही स्विच लगता लेकिन ये तीनों को ही ऑन ऑफ करता, तो ये तो फिर ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब मान लो किसी को टीवी चलाना है, बल्ब नहीं चलाना, फ्रिज नहीं चलाना, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर अगर टीवी चलाना है तो ये दोनों चीज़ें भी चलेंगी, समझ रहे हो। तो पैरेलल में हमें ये फ़ायदे हैं कि सेपरेट ऑन ऑफ स्विच हम लगा सकते हैं, तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपके, और बहुत ही अच्छी डिटेल में हमने वहाँ पर किया था जहाँ पर ये टॉपिक किया था, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ ढंग से बताई दी है बात, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर यही सब कहानी बताई है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या कहता है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। मतलब ये कह रहा है कि इनको कैसे हम कनेक्ट करें कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका 4 ओम का आए टोटल, और एक में उसने पूछा है कि 1 ओम का आए टोटल, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये R1 है 2 ओम का, R2 है 3 ओम का और R3 है 6 ओम का, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक कहानी बताई हुई है कि सीरीज़ में हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है और पैरेलल में हमसे सबसे लोवेस्ट वाला रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे बी पार्ट है इसमें 1 ओम है, तो ये देख लो इन तीनों से ही कम है 1 ओम, तो मुझे साफ पता चल रहा है कि ये तीनों पैरेलल में हम लगा के देख सकते हैं, उससे ये आंसर आ सकता है 1 ओम, क्योंकि पैरेलल में हमें सबसे कम रेजिस्टेंस मिलता है। बात आती है ए की, इसकी 4 ओम की, 4 ओम देखो अब ना तो सबसे कम है और ना ही सबसे ज़्यादा है, बीच में किसी की वैल्यू लाई कर रही है, तो यहाँ पर फिर कम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा हमें। कम्बिनेशन हम कैसे देख सकते हैं कि मान लो ये दो पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज़ में हो जाएं, नहीं आंसर आता फिर इन दोनों को पैरेलल में कर लो
इसके साथ सीरीज में करके देख लो, मतलब ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ए पार्ट जैसे हम इसका करते हैं सोल्व, 4 ओम हमें चाहिए, तो मान लो ये R1 हमने इस तरीके से कनेक्ट किया और R2 और R3 पैरेलल में कनेक्ट कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो R1 है 2 ओम का और ये R2 है 3 ओम का और ये है 6 ओम का। ठीक है, ये R2 है, ये R3 है और ये रहा R1, इस तरीके से आप सोच लो। तो देखो इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करते हैं, तो पैरेलल में सोल्व करके क्या आएगा हमारे पास, 1/R2 प्लस में 1/R3, तो ये 1/3 प्लस में 1/6, तो ये 6 LCM, ये 2, ये 1 कितना आ रहा है 3/6 और ये 1/2, और RP कितना आ जाएगा, यहाँ से इनको रिवर्स करेंगे तो 2 ओम का आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये से ऐसे बन जाएगा, ये R1 है और इन दोनों को सोल्व करके जो आया वो RP आया, ये 2 ओम का है और ये वाला कितना है जो R1 था हमारा, ये भी 2 ओम का था। तो सीरीज़ में जब हम निकाल लेंगे नेट रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो R1 प्लस में RP आ जाएगा, कितना होगा ये 2 प्लस में 2 कितना आ गया 4 ओम का आ गया। ठीक है, तो इसमें तो यही सोल्व करके आ गया, नहीं तो अगर ऐसे कम्बिनेशन ना बने फिर क्या करते आप, इन दोनों को कर लेते पैरेलल में, इसके साथ सीरीज़ में कर लेते, इस तरीके से आपने सोचना। ठीक है ना, समझ रहे हो कहानी को या नहीं बताओ, क्लियर है। और ये 1 ओम वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें तो देख लो इन सबसे कम है ये रेजिस्टेंस, तो हमें समझ में आना चाहिए कि सबसे कम किस में आता है, पैरेलल कम्बिनेशन में आता है, तो ये तीनों ही पैरेलल में होंगे। ठीक है, यहाँ बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, 1/RP किस में होगा, ये 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, और यहाँ इसमें लिख भी देना क्या R2 एंड R3 जो लिए हमने आर इन पैरेलल, देन द रिजल्ट इज इन, लिख देना इस तरीके से सीरीज विद R1, समझ रहे हो बात। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या लिख दोगे आप, अभी आंसर निकालते हैं पहले, तो इसका 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, तो यहाँ पर देख लो कितना आएगा, ये LCM 2, 3 और ये 6 है, 2, 1, 3 और ये 2, 3 ज़ा 6, तो 3, 2 ज़ा 6, 6 LCM आ गया, ये 2, 3 ज़ा और ये 3, 2 ज़ा और ये 6, 1, तो ये कितना आ गया 6/6, कितना आ रहा है ये 1, और ये 1/RP की वैल्यू है, तो यहाँ से RP भी कितना आ जाएगा 1 ओम, 1/1 है तो ये 1 ओम ही आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये नेट रेजिस्टेंस 1 ओम का और ये 1 ओम का ही था, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ऑल 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, यहाँ लिख देते हैं हम ऑल 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, अब देखो ये बहुत छोटा हो गया है, अगर आपको ये साफ नहीं दिखाई देता वीडियो में तो वीडियो के जो पिक्सल हैं 480 पर या 720 पर फिक्स कर लिया करो, तब साफ दिखाई देगा, क्योंकि कई बार नेट की प्रॉब्लम होती है तो वो पिक्सल्स ऑटोमेटिकली यूट्यूब में कम हो जाते हैं, तो उसको अगर आप सेट रखोगे 480p पर या 720p पर तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देंगे ये चीज़ें। ठीक है, समझ रहे हो ये कहानी, तो आपको ऐसे सोचना इन क्वेश्चंस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, इस तरीके कॉम्बिनेशन में पूछता है वो क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो इसमें क्या कहता है वो आपको, कहता है व्हाट इज़ ए पार्ट में कहता है हाईएस्ट एंड बी पार्ट में कहता है लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम। मतलब R1 दिया हुआ है आपको 4 ओम, R2 दिया हुआ है 8 ओम और R3 दिया हुआ है कितना 12 ओम का और R4 कितना दिया हुआ है आपको 24 ओम का। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहानी कर दी थी ये क्लियर कि सीरीज़ में हाईएस्ट आता है रेजिस्टेंस और पैरेलल में सबसे लोवेस्ट आता है, तो यही कहानी पूछ रहा है वो। तो हाईएस्ट के लिए क्या होगा, ऑल रेजिस्टेंस शुड बी इन, हाईएस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो सीरीज़ में, ठीक है, तो ऑल रेजिस्टेंसेस शुड बी इन सीरीज़ फॉर द हाईएस्ट। ठीक है, तो हाईएस्ट के लिए देखो टोटल आर कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4, तो कितना आ जाएगा ये देखो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो 4 और 8 12 24, 24 और 24 कितना आ गया 48 ओम का। ठीक है, तो ये हाईएस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप ये हाईएस्ट है, और यहाँ बी पार्ट यहाँ कर लेते हैं, तो लोवेस्ट के लिए हम लिख सकते हैं ऑल रेजिस्टेंसेस, कैसे लिखेंगे, शुड बी इन पैरेलल फॉर लोवेस्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पैरेलल के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो 1/RP, तो हमें पता 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये देखो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब देखो इसका LCM लेना है हमें, तो LCM ले लो जरा, यहाँ ले लेते हैं LCM, देखो 4, 8, 12 और 24,
तो फोर से करते हैं, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा, तो 2 पे करते हैं 2 1 3 और 2 3 ज़ा, और 3 पे कर लेते हैं 1 1 आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एलसीएम, तो 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और ये 1 कितना आ गया, 6 प्लस 3 9 और 2 11 और 1 12, 12 बाय 24 तो ये कितना आ गया 1 बाय 2, तो ये 1 बाई आर पी की वैल्यू है, तो आरपी कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, ये बताओ, रिवर्स कर देंगे इनको तो ये 2 ओम, तो ये कैसा आ गया आपके पास, लोवेस्ट रेजिस्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, आए ये तीनों क्वेश्चन समझ में, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी का, तो क्लियर है, कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।